जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं और सर्दियां ज्यादा होने की वजह से स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि भैया मुंह एक बार धो लिया उसके बाद धोने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो हमारी जो डेड स्किन की लेयर है वो चढ़ती चली जाती है, साथ में यहाँ यहाँ डार्क स्पॉट्स जो होते हैं, जो या तो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, वो यार दोस्तों को ज्यादा ही विजिबल होने लगते हैं। साथ में जो रंगत है हमारे चेहरे की वो डाउन हो जाती है। आप देखिएगा गर्मियों में सबका रंग मतलब निखरा निखरा सा रहता है, लेकिन सर्दी आते ही सबका चेहरा डल पड़ जाता है, क्योंकि हम आग तापते हैं तो आग से जो गर्मी निकलती है वो भी हमारे स्किन पे आती है, या फिर हम हीटर के सामने होते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, वो खून को भी बर्न करती है, या फिर हम धूप में बैठते हैं तो टैनिंग की समस्या हो जाती है। लेकिन ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हीटिंग प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सर्दी है तो हम आग तापना बंद कर दें, शरीर ही गल जाएगा, हड्डी गल जाएगी। तो क्या करें, तो हर चीज का सोल्यूशन है यार। तो यहाँ पे हम आपके साथ ऐसी एक वीडियो शेयर करेंगे, ऐसी रेमेडी हम शेयर करेंगे कि अगर आप हफ्ते में एक दिन भी आप लगा लोगे ना, चाहे आप दिन में लगाओ चाहे आप रात में लगाओ, आपकी जो हफ्ते भर की जितनी भी प्रोसेसिंग है या हफ्ते भर में जो भी आपने आपके चेहरे पे कालापन आ गया है, डेड स्किन जम गई है, ग्लो नहीं है बिल्कुल भी फेस पे, वो रिकवर हो जाएगी और साथ में आपकी जो अंदर की स्किन निकलेगी वो बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटेड, ग्लोइंग और बहुत ही ज्यादा निखरी हुई रहेगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इशारा, और मैं हूं स्मृति। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो और बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। हम हैं कानपुर से, और कानपुर में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। तो यहाँ पे फिर भी हम आपके लिए बहुत सारी मेहनत करके रेमेडीज ला रहे हैं, जिससे कि आपको भी हेल्पफुल हो और आपको जो भी रेमेडी सही लगे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप उसको अपने चेहरे पे लगा लो। तो उससे उसके बदले में हम क्या चाहते हैं यार, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जो कि बिल्कुल है फ्री फ्री फ्री, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कच्चे दूध से आप कैसे आप अपनी स्किन पे बहुत अच्छा से एक निखार ला सकते हो, अपनी स्किन को निखरता दे हुआ आप खुद देखोगे सामने ही, और साथ में आपके डार्क स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, ग्लो, जो सब कुछ खत्म हो चुका है वो फिर से वापस आने लगेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है कच्चा दूध। तो ये कच्चा दूध लगभग 2 चम्मच है, 2 चम्मच ही बहुत है कच्चा दूध, जो कि उबला हुआ ना हो। इसमें इतनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये आपकी स्किन के सारे दाग धब्बों को खत्म करती है, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा सा निखार लाती है। दिन में एक बार भी अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत करके कच्चे दूध से अपने चेहरे को साफ कर लिया ना, आपकी स्किन बहुत अच्छी होने वाली है। साथ में आपको कमेंट आता है यार मेरी तो स्किन वैसे की वैसी, बहुत कुछ करके देख लिया। तो यार हो सकता है आपको इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो, तो जैसे कि लीवर में प्रॉब्लम हो या ब्लड प्यूरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार डॉक्टर को चेकअप जरूर कराइएगा। तो उसकी वजह से आप कितना भी कुछ भी लगा लो, खा पी लो, लेकिन नहीं होता है उसका असर। लेकिन जब आपकी बॉडी अंदर से हील होती है, अंदर से हेल्दी होती है, तो उसका असर स्किन पे जरूर आएगा। तो चलिए हम इसकी मसाज कर लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। इसमें होता है क्या होता है, ये हमारे स्किन के अंदर से सारी गंदगी को निकाल फेंकता है, हमारे स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, टाइट करता है और ब्राइट करता है। इसकी हमको मसाज करनी है 2 मिनट तक। अच्छे से मसाज करने के बाद आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपने भी मसाज करी ली होगी, आंखों के नीचे पूरे चेहरे पर हल्के हल्के हाथों से आराम से इत्मीनान से बैठ के आप 2 मिनट तक मसाज कर लीजिए। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक बनाएंगे बेहतरीन वाला पैर। इसके लिए हमको वही चाहिए, कच्चा दूध। तो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो हम 1 चम्मच और इसमें ले लेंगे कच्चा दूध, और साथ में हम मिलाएंगे इसमें आटा, गेहूं का आटा। देखिए वैसे तो हम इसमें बेसन मिलाते हैं, लेकिन बेसन मेरे घर में खत्म हो गया है, तो उसकी जगह हम मिला रहे हैं यहाँ पे गेहूं का आटा। आप गेहूं का आटा भी मिला सकते हो, आप बेसन भी मिला सकते हो। गेहूं के आटा हमारे स्किन को बहुत अच्छे से माइल्ड एक्सफोलिएट करेगा। इसमें होता है अल्फा आर्बिटिन, जो हमारे स्किन को वाइटन अप करेगा, साथ में दाग धब्बों को खत्म करेगा और हमारी स्किन को टाइट करेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पे हम मिलाएंगे चुटकी भर सिंदूर, नहीं चुटकी भर हल्दी। हल्दी में होता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो हमारे चेहरे पे होने वाले इन्फेक्शन को कम करता है, अगर हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हैं उसको ये खत्म करता है, और साथ में बहुत अच्छा सा ग्लो लेके आता है। इस पे तो एक रस्म भी बन गई है भैया, हल्दी की रस्म शादी में।
तो ये तीनों चीजों के साथ साथ दोस्तों एक चीज जो है जो आप हमेशा अपने घर में रखिए, खासकर इन सर्दियों में, वो है ग्लिसरीन। जी हाँ, ग्लिसरीन आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है। ये हमारी स्किन की ड्राइनेस को खत्म करता है, बहुत अच्छे से हील करता है और साथ में हमें स्किन को टाइट करता है, क्लीन करता है, ब्राइट करता है। गूगल में एक बार आप सर्च करके देखो ग्लिसरीन के कितने सारे फायदे निकलेंगे। तो इस पैक में हम मिला लेंगे लगभग आधा चम्मच ग्लिसरीन। तो यहाँ पे हम अंदाजे से मिला ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी स्किन अगर ड्राई भी हो रही होगी तो वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। और ये ग्लिसरीन बहुत ही सही है, ये आपको आसानी से किसी भी केमिस्ट की दुकान पे या पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। आप आज ही लाके रख लो और उसको लगाना आप डेली स्टार्ट कर दो। आप देखोगे कितनी भी खुश हवा चले, कितनी भी मतलब आपकी सर्दी हो, कितना भी आपकी ड्राई वेदर हो, लेकिन आपकी स्किन तो हमेशा चमकेगी चमकेगी, क्योंकि एक सीक्रेट जो बता रहे हैं ना आपको हम। चलिए, हमारा पैक तो बन के तैयार हो गया, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा पैक थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और मिला लेंगे इस तरीके से। अगर आपको भी लगे कि हाँ आपका पैक गाढ़ा हो रहा है तो आप थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा, लेकिन याद रखना दोस्तों कच्चा दूध ही मिलाइएगा। अगर आपको टाइम है तो आप इसको हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हो। अगर नहीं टाइम है भैया, बहुत ठंडी है, तो आप हफ्ते में एक दिन अपना रख लो और एक दिन इसको जरूर लगाओ। और हल्दी देखिए मेरे लगे हुई है। अब इस पैक को हमको अपने पूरे चेहरे पे लगाना है अच्छे से। ये हमारे चेहरे से डेड स्किन को निकाल देगा, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइटन अप करेगा, साथ में वेल मॉइस्चराइज करेगा। इसका रिजल्ट आप खुद देखोगे, जब हम धो लेंगे तो आप खुद देखना कि स्किन इतनी ज्यादा क्लीन हो जाएगी, सारी डेड स्किन निकल जाएगी और चेहरा एकदम से चमक उठेगा कि कहने ही क्या। लोग जरूर पूछेंगे यार इतनी सर्दी में भी क्या कर रही हो, स्किन इतनी ज्यादा ग्लो कर रही, मेरी तो बिल्कुल ड्राई हो रखी है। अच्छा, इसको आप नहाने से पहले भी यूज कर सकते हो, या पुराने जमाने में जैसे उत्तर लोग बनाते थे ना दादी नानी, बिल्कुल वही होगा। आपका रंगत इतनी अच्छी निखरेगी, इत्मीनान से इसको आप लगाइए, हाथों में लगाइए, पैर पे। अगर आपके बहुत ज्यादा कालापन जम रहा है, डेड स्किन जमती चली जा रही है, पर्त के पर्त जमती चली जा रही है, तो आप इसको हाथों में लगा सकते हो, पैरों में लगा सकते हो नहाने से पहले, क्योंकि इतनी ठंड में नहीं। और अगर आप इसको गर्मी में यूज कर रहे हो तो यार बिंदास लगाओ पूरे शरीर पे और फिर नहा लो। तो इस तरीके से आपको लगा लेना है, उसके बाद आपको मसाज करनी है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। इस तरीके से अगर आप मसाज करोगे ना तो ये अंदर तक पेनिट्रेट होगा, और जो हमारी स्किन कच्चा दूध लगाने से बिल्कुल साफ हो चुकी है तो ये उसपे बहुत अच्छा सा रिजल्ट देगी। जैसे स्किन साफ हो गई, अब आप उसको खाना पीना दे रहे हो ना, तो कुछ इसी टाइप से। तो आप, हमने इसको अपने पूरे चेहरे पे लगा लिया है और इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद ये सूखना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 मिनट भी रख सकते हो, या फिर जब तक ये थोड़ा सा और ज्यादा ना सूख जाए तब भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको 10 मिनट के लिए रख रहे हैं, उसके बाद हम इसको नॉर्मल पानी से धोने के बाद आपको रिजल्ट दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपना चेहरा वॉश करके आ गए हैं और कसम से यार चेहरा इतना ज्यादा क्लीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार कितनी गंदगी निकल गई है चेहरे से। चेहरा बहुत हल्का हल्का सा, नहीं जैसे लगता है वैसे चेहरा बहुत हल्का हल्का सा लग रहा है, साथ में सॉफ्टनेस का तो पूछो ही ना। क्यों? क्योंकि हमने इसमें ग्लिसरीन मिलाई थी, तो सॉफ्टनेस और ग्लो तो आना ही आना था, और साथ में चेहरा एकदम क्लीन हो गया है यार, ये फीलिंग ही अलग होती है। तो यार इसको आप हफ्ते में एक दिन कर लेना, क्योंकि ठंड बहुत है, जब ठंड थोड़ी कम हो जाए तो हफ्ते में 2 दिन कर लीजिएगा। और साथ में इसको धोने के लिए आप बहुत ठंडा पानी का यूज मत करिएगा, वैसे भी यार सर्दियों में बहुत ठंडे पानी को अपने चेहरे पे मत लगाइए, क्या होता है स्किन सिकुड़ सी जाती है। और बहुत गर्म पानी से भी अपने चेहरे को मत धोइए, थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म वाटर होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म। तो हमने उसी तरीके से उसी पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लिया है और मेरा चेहरा बिल्कुल यार खूब सॉफ्ट, खूब सपल, और इतना अच्छा लग रहा है यार छूने में कि यार बार बार छूते रहो, इतनी सॉफ्ट स्किन हो गई है। तो उम्मीद करते हैं यार आपको मेरी ये मेहनत दिखी होगी, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और साथ में मेरी सूजी आंखें भी आपको दिख रही होंगी। यार इतनी ठंड है यार, इतनी ठंड है कि बता नहीं सकते। बहुत मेहनत लगती है यार ये वीडियो सारी शूट करने में। प्लीज 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 सपोर्ट मी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते यार, प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे।